hi students welcome once again i am dr anurag agarwal and this is osn academy of english since 1998 the UGC NET examination is round the corner and i am taking a great initiative in coming with you live from time to time to give you such important terms such important crash course which i suppose you might not have heard you might not have prepared बट दीज आर वेरी वेरी एग्जाम इसेंट्रिक जब भी आप लोग ये कहते हैं कि नेट का एग्जाम बहुत कठिन था नेट का एग्जाम बहुत सरल था कंपेरेटिवली ईजी था इट इज़ नॉट लाइक दैट इट इज़ जस्ट द नॉलेज विच मैटर्स द मोर नॉलेज यू हैव द मोर एग्जामिनेशन बिकम्स ईजी एंड बिफोर आई स्टार्ट दिस सेशन आई वुड जस्ट लाइक टू अनाउंस अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग Which all of you might be very happy to know that the TGT, PGT, GIC, LT, DSSSB batch now coming with the bilingual mode. And why? Because the North Indian students, especially from UP, Bihar, MP, Rajasthan, and Himachal and here and there, they wanted to study, especially UP, MP, and Bihar, that vacancies So they want to be a government uh, teacher by qualifying these exams. So now, ज्यादा आराम है उन बच्चों को जिनको बाइलिंग चाहिए था सो गेट अप एंड कम्युनिकेट ऑन द गिवन व्हाट्सएप नंबर दोज एज फार एज नेट इज कंसर्न यू मे कॉन्टैक्ट द गिवन नंबर फॉर द रिकॉर्डेड बैच फॉर द लाइव बैच एंड अदर बैच विच आर रनिंग फॉर द स्टूडेंट्स ऑल इंडिया तो पहला टर्म है बच्चों क्रैश कोर्स के अंडर आज गॉड टर्म्स नाउ हाउ मेनी ऑफ यू हैव हर्ड दिस नेम गॉड टर्म्स Come to the live comment, just make your presence here live with me with your name, with your city, and tell me that yes, sir, I have heard the name God Terms. And you will be surprised to know that how the students who are interactive, who know what quality education is, who know what experience is, they are.

इसमें बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस बनेंगे जो आपने कभी शायद सुना ना हो या अगर सुना भी हो तो शायद आप उसको प्रयास करने के बावजूद भी आप उसको सॉल्व ना कर पाएँ क्योंकि इसकी जो नेटिग्रिटीज़ हैं वो शायद आपको बताई ना गई हो या आपके गाइड बुक्स में वगैरह में ना हो दैट इज वाई आई ऑलवेज टेल कि क्वालिटी पढ़िए बच्चों क्वालिटी एजुकेशन पढ़िए सस्ते के चक्कर में मत अपने पैसे खराब करके टाइम खराब करिए क्योंकि पैसे तो आ जाएंगे टाइम वापस नहीं आएगा बच्चों फाइन तो दिस इज अ टर्म हाउ मेन्यू ऑफ यू विल टेल मी दैट वॉट इज पहला हम लोग लेते हैं फर्स्ट

पीपीटी में बहुत मजा नहीं आता है पर्सनली मुझे लेकिन लेट्स अ टर्म इनिशियली बाय अब देखिए ये सारी चीजें आपके दिमाग में जा रही हैं आप देख रहे हैं कि सर लिख रहे हैं आपके दिमाग में वो इंप्रेशन बन रहा है पीपीटी में या वो डिजिटल में वो चीज नहीं हो पाती अ टर्म इनिशियली यूज बाय कैन मी कि ये टर्म किसने यूज किया था कैन बर्क ने कैने बर्क बी यू आर के ई अब ये देखिए पहला पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट अ टर्म इनिशियली यूज बाई बर्क, ये आपको याद रखना है एंड देन पहले इस्तेमाल किया इस शब्द को बर्क ने एंड देन बाय रिचर्ड वीवर एंड देन बाय रिचर्ड वीवर देखिए दोनों नाम लिखिए आप बाय रिचर्ड वीवर दैट डिस्क्राइब्स द अल्टीमेट रिटोरिकल टर्म्स अल्टीमेट ऐसे इसको कर लीजिए अ टर्म इनिशियली यूज बाय केनेट एट बर्क एंड देन बाय रिचर्ड वीवर दैट डिस्क्राइब्स द अल्टीमेट रिटोरिकल टर्म्स ऑफ अ सोसाइटी और अ कम्युनिटी टर्म्स अराउंड विच ऐसे टर्म जिसके आसपास अराउंड विच ह्यूम कैन बिल्ड देर लाइव इंसान जो है अपनी जिंदगी को बड़ा कर सकता है जी सकता है विद द होप ऑफ इस आशा से कि हमें क्या मिलेगा विद द होप ऑफ फाइंडिंग ट्रांसेंडेंस ट्रांसेंडेंस से बना है ट्रांसेंडेंटल गॉडली डिवाइनली विद द होप ऑफ फाइंडिंग ट्रांसेंडेंस और यूनिटी किस होप में किस आशा में हमें मिलेगा या तो हमें ट्रांसेंडेंस मिलेगा या हमें यूनिटी मिलेगी और बर्ग के अनुसार अकॉर्डिंग टू बर्क लैंग्वेज यूज टेंड्स टू कलमिनेट इन एन अल्टीमेट और गॉड टर्म मैं फिर से कह रहा हूं बर्ग के हिसाब से लैंग्वेज जो होती है जो भाषा होती है दैट यूज टेंड्स टू कलमिनेट इन एन अल्टीमेट या तो अल्टीमेट में कलमिनेट करती है या गॉड टर्म में अगर हम बर्क की फिलोसफी की बात करें अगर हम बर्क की फिलॉसफी की बात करें तो ये जो गॉड टर्म्स है स्टैंड इन प्लेस ऑफ गॉड गॉड टर्म्स स्टैंड इन प्लेस ऑफ गॉड वर्ड्स जो शब्द हैं वर्ड्स एंड द कॉन्सेप्ट दे इन्वोक

बच्चे एक बार जरूर बताया करें कि आप लोग किस शहर से बिलोंग करते हैं ये बड़ा अच्छा लगता है जान करके कि अनुराधा जी इस शहर की हैं या इस इस एग्जाम को टारगेट कर रही हैं उससे ज्यादा मतलब जानने में अच्छा लगता है फाइन तो ये हो गया आपका गॉड टर्म्स कैसा लगा बच्चों आपको ये ये टर्म आ, सुन करके इसके बारे में जान करके और आपको कैसा फीलिंग आया या कैसा आपको लगा मनीष गुड आफ्टरनून अब सेकेंड जो टर्म हम ले रहे हैं दैट इज एच ई आर एम ई एन ई शायद आपने एम ए में, में पढ़ा हो हरमी न्यूमाटिक्स एन यू टी आई सी एस कैसा लगा आपको यह टर्म कभी है आपने हाउ मेनी ऑफ यू हर्ड द नेम ऑफ हर बताइए हाउ मेनी ऑफ यू ये टर्म क्या है यह टर्म किसको रेफर करता है यह टर्म किसको रेफर करता है अनुराधा जी आप बहराइच में है चलिए बड़ा अच्छा लगा आप बहराइच में है मैं बहराइच से आपको एक इंसिडेंट बताऊं हमारी ओएसएन एकेडमी के स्टूडेंट एक है लखनऊ की आपने शायद नाम सुना हो आईटी कॉलेज का ईजेब थॉनबॉन कॉलेज लखनऊ का जो बहुत फेमस कॉलेज है यहाँ की हमारी स्टूडेंट है प्रीति प्रीति यादव और उसको नेट कराया मैंने और नेट कराने के बाद पीएचडी भी किया उसने कर रही है कंप्लीट हो गई है और वो बहराइश में बहराइश में जो आपका पीजी कॉलेज है गवर्नमेंट का वहाँ पे वो असिस्टेंट प्रोफेसर हो गई है इलाहाबाद का कमीशन क्वालिफ़ाई करके जो प्रयागराज में है हायर एजुकेशन कमीशन उसका जो एग्ज़ाम हुआ था इंटरव्यू हुआ था उससे करके नाव शी इज़ असिस्टेंट प्रोफेसर इन बहराइच अनुराधा भास्कर जी हो सकता है कि आप उनकी स्टूडेंट भी हों आपने शायद अगर उसी कॉलेज से किया हो हर दिस इज़ अ टर्म रेफरिंग टू द प्रिंसिपल एंड थ्योरीज ऑफ इंटरप्रिटेशन मैं यहां पर लिखने की कोशिश करता हूं अ टर्म अगर हम ऐसे लिखेंगे नहीं तो शायद ये बहुत कठिन है आप भूल जाएंगे अ टर्म रेफरिंग टू प्रिंसिपल्स एंड थ्योरीज प्रिंसिपल्स टर्म रेफरिंग टू प्रिंसिपल्स एंड थ्योरीज ऑफ किसके ऑफ इंटरप्रिटेशन ऑफ इंटरप्रिटेशन बट बोथ टेक्सुअल इंटरप्रिटेशन एंड ह्यूमन इंटरप्रिटेशन ये ध्यान रखिएगा बोथ टेक्सुअल इंटरप्रिटेशन ये ध्यान रखिएगा कैसे कैसे टेक्सुअल इंटरप्रिटेशन एंड इवन ह्यूमन इंटरप्रिटेशन ऑफ द वर्ल्ड एंड ह्यूमन इंटरप्रिटेशन ऑफ द वर्ल्ड किरण प्रधान गुड आफ्टरनून किरण स अनुराधा किसान पीजी कॉलेज है बहराइच में उसी में हमारी स्टूडेंट नेट क्वालिफाइड जो है जो हमारे यहां से वो है परमानेंट असिस्टेंट प्रोफेसर इन इंग्लिश लिटरेचर डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश या किरण प्रधान कैसे हैं आप और किस शहर से बिलोंग करते हैं किरण आप तो ये ध्यान रखिएगा कि अ टर्म रेफरिंग टू द प्रिंसिपल्स एंड थ्योरीज ऑफ इंटरप्रिटेशन बोथ टेक्सुअल इंटरप्रिटेशन एंड ह्यूमन इंटरप्रिटेशन ऑफ द एंटायर वर्ल्ड अगर हम बात करें टेक्सुअल इंटरप्रटेशन की रिगार्डिंग टेक्सुअल इंटरप्रटेशन अगर हम बात करें रिगार्डिंग टेक्चुअल इंटरप्रटेशन की तो इसमें क्या लिखेंगे दैट इट इज द स्टडी ऑफ हाउ वन इंटरप्रेट्स अनफेमिलियर डिस्कोर्स रिगार्डिंग टेक्सुअल इंटरप्रटेशन अगर हम इसकी बात करें ये रिगार्डिंग टेक्सुअल इंटरप्रिटेशन इट इज द स्टडी ये किस बात की स्टडी है इट इज द स्टडी ऑफ हाउ वन इंटरप्रेट्स किस प्रकार से कोई इंटरप्रेट करता है अनफीलियर डिस्कोर्स फाइन कैसे वो उस चीज को मैनेज करता है अनफीमेलियर डिस्कोर्स एंड इट इन्वॉल्व आइडेंटिफाइंग एंड इंटरप्रेटिंग पहली बात तो आइडेंटिफाई करना उसको इंटरप्रेट करना किस को इंपॉर्टेंट टेक्स को प्लस जब आपने एक बार आइडेंटिफाई कर लिया उसके बाद आप फोकस करते हैं ऑन वेरियस टेक्चुअल फीचर्स सो फर्स्ट यू हैव टू आइडेंटिफाई एंड इंटरप्रेट द इंपॉर्टेंट टेक्स देन यू आर फोकसिंग ऑन द वेरियस टेक्चुअल फीचर्स एंड देन ट्राइंग टू एस्टेब्लिश प्रिंसिपल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन यस ओके किरण यू आर फ्रॉम छत्तीसगढ़ फाइन बहुत सारे छत्तीसगढ़ के बच्चे यूजीसी नेट के बैच में वो एकेडमी में हमारे साथ पढ़ रहे हैं आ, प्रतीक्षा सिंह गुड आफ्टरनून प्रतीक्षा आप कहां से हैं प्रतीक्षा तो अगर हम आगे बात करें तो इसकी दिस हर्बेनियोटिक्स दिस हर्बेनियोटिक्स वास्तविकता में ओरिजिनली रिफर्ड टू तो इंटरप्रिटेशन ऑफ बिब्लिकल एंड लीगल थ्योरी बिब्लिकल एंड लीगल थ्योरी अगर आप हार्मोनोटिक्स की बात करें तो हार्मोनोटिक्स ओरिजिनली रिफर्ड टू इंटरप्रिटेशन ऑफ बिब्लिकल एंड लीगल थ्योरी बट देन वॉज एडॉप्टेड टू द जर्नल ह्यूमनिटीज इन द नाइनटीन सेंचुरी बाई मिस्टर फ्रेडरिक एंड मिस्टर विलहेम डिलथे सो so, ये चीज आपको रखना है याद कि जनरली जो होता है मिस्टर फ्रेडरिक इज क्रेडिटेड विद एस्टाब्लिशिंग द मॉडर्न हारमिनेटिक्स एंड बिगनिंग द स्ट्रॉन्ग जर्मन इंफ्लुएंस इन हारमेनिओटिकल स्टडीज गुड आफ्टरनून ओके प्रतीक्षा यू आर फ्रॉम राजस्थान वेरी गुड एंड पुरनेश गुड आफ्टरनून पुर्णेश कैसे हैं आप हमें उम्मीद है कि आज का जो सेशन है वो आपको बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा होगा लेकिन उन बच्चों को ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगेगा जो वाकई में अपनी पढ़ाई में डूबे हुए हैं और वो अपने करियर में कुछ कर लेना चाहते हैं उनके लिए जो हमारे सेशंस होते हैं चाहे वो हमारे एप्लीकेशन पे पेड क्लासेस हों चाहे यूट्यूब पे जो फ्री क्लासेस हैं वो सभी अपने आप में बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं एम आई राइट सो so, अगर हम दो नाम का नाम दो ले नाम तो ये भी इंपॉर्टेंट है आपको हारमोनियोटिक्स में जानना क्योंकि जो क्वेश्चन बनेंगे वो इन नामों से बन सकते हैं और वो नाम है मार्टिन एम ए आर टी आई एन याद रखिएगा मार्टिन हिडगर एच ई आई डी जी जी ई आर मार्टिन हिडगर और दूसरा है हैंस जॉर्ज गैडामर जॉर्ज देखिए एस ए एन एस जी ओ आर जी जी ओ यहां पे ई e मिसिंग है ई e होगा और जॉर्ज जी ई ओ आर जी और गैडमर जी ए डी ए एम ई आर स्पेलिंग बड़ी कठिन है सर मैं हिंदी मीडियम से हूं तो क्या इंग्लिश से जार एफ क्वालिफाई होगा बेटा मीडियम से कोई फर्क नहीं पड़ता हमारे हिंदी मीडियम के बच्चे आई एस क्वालिफाई कर जाते हैं आपका सब्जेक्ट इंग्लिश है आप एम इंग्लिश में, में हैं आप एम इंग्लिश कर चुकी हैं जो प्रीति यादव है जिसका मैंने आपको नाम लिया जो बहराइच पर असिस्टेंट प्रोफेसर है आज उसकी तनख्वाह एक लाख दस हज़ार एक लाख बीस हज़ार रुपये होगी और वो भी हिंदी मीडियम की बच्ची थी उसको नेट कराया और कमीशन से द्वारा आपके ही शहर में असिस्टेंट प्रोफेसर है इससे बड़ा एग्जाम्पल आपको क्या चाहिए आप कभी भी जा के प्रीति यादव से मेरा नाम लेकर के मिल सकती हैं वो मेरी स्टूडेंट है तो बेटा आपको चिंता नहीं करना अनुराधा एक बार अगर आपको ओएसएन एन की क्लासेस और हमारी क्लासेस पसंद हैं तो बस आप ऊपर दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप करके डिटेल्स बात कर लीजिएगा या ऐप को डाउनलोड करके ये पूछ लीजिएगा कि आप, आप कौन सा बैच पढ़ना चाहती हैं अगर आप अपने करियर के प्रति काफ़ी सजग हैं तो मार्टिन हेडेगर एंड हैंस जॉर्ज गैडमर ये दो लोग कौन हैं दे आर मेन फिगर्स दे आर मेन फिगर्स इन द ट्वेंटिय सेंचुरी इन सेंचुरी हारमेनियोटिक्स इन इन दिन सेंचुरी हारमेनियोटिक्स एंड देयर वर्क और इनके जो वर्क हैं एंड देयर वर्क एडवांस फिलोसफिकल हारमेनिओटिक इनके जो वर्क हैं वो क्या उन्होंने कहां तक एडवांस कर लिया है दार्शनिक हार्मेनियोटिक की तरफ जिसमें उन्होंने एम्फेसिस किया है विद एम्फेसिस ऑन इंटरप्रिटेशन एज अ की कॉन्सेप्ट इन द स्टडी ऑफ बीइंग इन द स्टडी ऑफ बीइंग बी ई आई एन जी इस पर स्टडी किया है या बोध फ्रॉम एग्जिस्टेंशियलिज्मशियलिज्म का मतलब होता है अस्तित्ववाद फाइन या रिकॉर्डेड वीडियो आई हैव द लाइव बैच ऑल्सो द रिकॉर्डेड बैच ऑल्सो जो बच्चों को चाहिए सारी चीजें अवेलेबल है हमारे एप्लीकेशन पे इट इज यू टू डिसाइड कि हमें कितना पढ़ना है हमें कितना विल पावर है और हम कितने अपने करियर के प्रति सजग हैं तभी पॉसिबल है कि आप करियर बना सकते हैं अदरवाइज आज के जमाने में इतना कंपटीशन है कि जो अच्छा पढ़ेगा जो अच्छा और समय के हिसाब से पढ़ेगा वही जीतेगा फाइन मैंने बार बार इसी बात से कहा है कि सिर्फ आपको ऐप डाउनलोड करना है ओएसएन एकेडमी का और दिए गए नंबर पे कम्युनिकेट करके डिटेल्स को लेना है फाइन तो ये देखिए हो गया आपका हार्मोनोटिक्स uh, उसके पहले हो गया था गॉड टर्म्स तो जब ये दोनों टॉपिक हो गया अब हमने बच्चे जो नए जुड़ चुके हैं यहाँ पे वो बताएं कि आपको कैसा लगा ये दोनों टॉपिक को मैंने चूंकि कठिन भी बहुत था लेकिन क्या मैं आप तक पहुँच पाया क्या मैं आपको समझा पाया और अगर समझा पाया तो ज़रूर से एक थम्सअप और एक लव का निशान बना के भेजेगा तो मुझे लगेगा कि मेरी मेहनत वसूल हो गई सर दिस रिकॉर्डेड वीडियो सर वेरी अवेलेबल रिकॉर्डेड वीडियो या लाइव क्लासेस सारी चीज़ें अवेलेबल है एप्लीकेशन पे इनको एप्लीकेशन का लिंक दे दीजिए और बार बार मैंने आपसे कहा है मिस्टर फाउंडेशन शेडोल कि देखिए ऊपर दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप करके आप सारे डिटेल्स को मंगा सकते हैं फाइन कैसा लगा बच्चों ज़रूर बताइए अनुराधा भास्कर जी को बहुत अच्छा लगा चलिए आप पढ़ना चाहती हैं अनुराधा जी आप नेट क्वालिफाई करना चाहती हैं और दिसंबर का एग्जाम कितने कितने बच्चों ने भरा है हाउ मेनी ऑफ यू हैव फिल्ड द फॉर्म ऑफ दिसंबर क्योंकि जून का बैच और और दिसंबर चौबीस का बैच भी ऑलरेडी चल रहा है क्या लिखा है आपने अनुराधा भास्कर आप आप दिसंबर की तैयारी कर रही हैं और अमर भी कर रहे हैं तो बेटा अमर तो आप शाम को आप ज्वाइनिंग कर लेंगे क्लास अमर और अनुराधा जी से और ये मिस्टर शहडोल से मैं यही कहूँगा कि इस सेशन के बाद इस क्लास के बाद आप व्हाट्सएप पे कम्युनिकेट करके अपने डिटेल्स को लेकर के बेटा एक घंटे भी और एक दिन भी मत खराब करिए अदरवाइज़ दिसंबर का एग्ज़ाम तो वैसे ही हाथ से निकल जाएगा अगर फॉर्म फिल किया है और आपको लगता है कि सर की हेल्प से बहुत एक्सेल आप कर सकते हैं क्योंकि मेरे पास ऐसी सी चीज़ें हैं जो केवल आप उतना कर लें तो जो आप करने वाले हैं इन उसमें टेन लगा दें इन टू हो जाएगा आपकी तैयारी वो भी एक महीने में ठीक है एच ई टी ई आर टी ई आर हैटर ओ क्या बोलते हैं इसको हेटेरो ग्लोसिया जी एल ओ एस एस आई ए हेटेरोग्लोसिया नाउ दिस इज अ टर्म यूज बाय अब आप बता सकते हैं मुझे अ टर्म यूज बाय बताइए कौन बच्चा बताएगा इसमें देखिए हम आपको यहां एक वो बनाते हैं ये जो टर्म है ये कि किसने इस्तेमाल किया आपको ये बताना है पहला दूसरा बताना है कि जिसने भी लिखा है उसने कुछ कुछ कोई टर्म कोई कोई वर्क लिखा था उसका नाम क्या है वो है क्या वो किस जार का है और फिर आपको बताना है कि उस उसका नाम क्या था और ये जो नाम है इसको ट्रांसलेट कब किया गया है तो देखिए इस इस एरो के हिसाब से हम आपको समझाएंगे जब शेडोल आई ऑलरेडी टू क्यो कोर्स फ्रॉम वेस एन ऐप तो बेटा मैं कैसे पहचानूंगा जब आप अपना नाम नहीं बताएंगे अपना नाम तो बताएं तो भी तो मैं पहचानूं कि आप शहडोल के आपका नाम क्या है ठीक है तो आपने अभी तक बताया नहीं टर्म यूज बाय हु इज हु हैज यूज दिस टर्म मिखाइल भक्तिन एम आई के एच आई एल भक्तिन बी एच ए के टी आई एल पहला तो आपका ये आंसर हो गया पहला दूसरा हो गया कि ये जो टर्म माइकल भक्त ने इस्तेमाल किया है किसमें इस्तेमाल किया है साक्षी सिंह राजपूत अब हम पहचान गए स्पेशली इन हिज कलेक्शन ऑफ फोर एसेज फोर एसेज इस कलेक्शन में इस्तेमाल किया है इसने माइकल भक्तल ने हेट्रोग्लोसिया का नाम और उस फोर एसेज का जो कंबिनेशन है उसका नाम है द डाय इमेजिनेशन मैं इसको यहाँ लिखता हूँ द डाय इमेजिनेशन वेरी इंपॉर्टेंट द डाइलॉजिक इमेजिनेशन और इसको ट्रांसलेट किया गया था टी लिख देता हूँ टी 1981 ट्रांसलेटेड इन 1981 अब आप देखिए कि यहाँ पे अगर आपने इतना पॉइंट केवल पढ़ लिया अब आप सोचिए कि एक आपका काम हो गया माइकल भक्तन में और हेस्ट्रोग्लोसिया में जो मैंने आपको बता दिया ये शायद आप इतने आसानी से आपके ब्रेन में चला गया सो दिस इज अ टर्म यूज बाय माइकल भक्तन स्पेशली इन इस कलेक्शन ऑफ फोर एसेज नोन एस डायलॉजिक इमेजिनेशन ट्रांसलेटेड इन 1981 टू रिफर टू दी वॉइस टू रिफर टू मेनी वॉइस दैट इन्फ्लुएंस लैंग्वेज क्योंकि जो भक्तिन था भक्तिन के लिए ऑल लैंग्वेज यूज कॉन्स्टिट्यूट सोशल इंटरक्शन एंड अटरेंस इज नेवर इंडिविजुअलाइज बट इट रिफ्लेक्ट्स इनपुट फ्रॉम वेरियस अदर पास्ट एंड फ्यूचर स्पीकर एंड इज ऑल्सो इंफ्लुएंस्ड बाय द वेरी वेरी स्पेसिफिक हिस्टोरिकल एंड कल्चरल कॉन्टेक्स ऑफ द डिस्कोर्स सिचुएशन तो बस इतना ही आपको जानना है हेट्रोग्लोसिया के बारे में मेरे ख्याल से बड़ा आपको अच्छा लग रहा होगा कि इतनी नॉलेज आपको एग्ज़ाम के समय में होनी चाहिए थी जो पता नहीं क्यों आप लोगों ने कहीं पढ़ा नहीं फाइन कैसा लगा बच्चों एकदम आराम आराम से पानी की तरह आपको समझ में आ गया आपने अभी तक वो बताया नहीं बच्चों ने कि ये आपको कैसा लगा ये तीनों टर्म्स जो मैंने समझाया मतलब आपको समझ में आया बहुत अच्छा आया कम आया अगर फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं 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 रैंक करूँ वन टू थ्री फोर फाइव तो इसका मतलब होता है सबसे ज़्यादा समझ में आया एक्सेलेंट इसका मतलब होता है बहुत एक्सेलेंट से थोड़ा कम समझ में आया तो अगर आपको इन चार टर्म्स को समझने का दिया जाए तो आप क्या बताएंगे कि सर हमको हमने थ्री फोर फाइव वन टू क्या है अपने अपने हिसाब से आप केवल वन टू थ्री फोर फाइव लिख के भेजेंगे तो मैं ये समझ पाऊंगा कि कुछ बच्चों को बहुत अच्छा समझ में आया कुछ को कम आया कुछ को और कम आया कुछ को और कम आया कुछ को बिल्कुल नहीं आया तो ये थोड़ा सा आसानी होगी आगे के लिए कि हमने जो कोशिश किया क्योंकि टर्म्स बहुत कठिन हैं इनको बहुत वैसे नहीं समझाया जा सकता तो अमर सिंह ने कहा है फाइव रैंक चलिए इसका मतलब है कि आपको बिल्कुल फैंटास्टिक समझ में आया जो भी मैंने आपको बचाया गुड आफ्टरनून मिस्टर एजे बाकी लोग सभी लोग जवाब दे बेटा लाइव कितने बच्चे क्लास में प्रेजेंट हैं यस लिखिए है। या तो हमारी आवाज आप तक पहुंच नहीं रही है पूर्णेश ने क्या कहा सर अनस्किपेबल एड ड्यूरिंग द अनस्किपेबल एड ड्यूरिंग द लाइव क्लास पॉप्ड आउट ऑफ नोवेयर <laughs> अच्छा 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 अब वो यूट्यूब का है उसको क्या कहा जाए बच्चों एंड ड्यूरिंग द लाइव क्लास पॉपडअप ओके ओके साक्षी आपने भी कहा है बहुत अच्छा समझ में आया चलिए बहुत अच्छी बात है अनुराधा जी आपको भी समझ में आया कितने मार्क्स थ्री फोर फाइव कैसा लगेगा आपको समझाने का लेवल जो है मैं उसके पूछ रहा हूँ आउट ऑफ टेन चलिए पुनेश आपने तो शायद क्लास ज्वाइन किया हुआ है ना पुनेश अगर इफ आई एम नॉट रॉन्ग पुनेश यू हैव ज्वाइन माय बाइलिंग बैच येस और नो अच्छा आपने ज्वाइन नहीं किया है पुर्णेश ओके तो बेटा आपको तो शायद कई महीने पहले ज्वाइन करना था जो शायद मुझे कुछ ऐसा याद आ रहा है सर आई एम अबाउट टू फिनिश माई फर्स्ट ईयर एम ए इंग्लिश शुड आई प्रिपेयर फॉर द नेट ऑफ और यू पी एस सी और बोथ इसको हटाइए और बोथ हाँ और माय जीएस इज़ वेरी वीक व्हाई आई एम कंफ्यूज इफ़ आई शुड गो फॉर यूपीएससी और नॉट पुनेश अगर आपको आपकी हमारी से बात नहीं हुई है तो जो आपका क्वेश्चन है ये थोड़ा सा टेलीफोनिक गाइडेंस मांगता है कि आप नेट करें या यू करें ये टेलीफोन पर ही हम आपसे कुछ क्वेश्चन पूछेंगे उसका जब आप जवाब देंगे तो ऑटोमेटिकली दो चार मिनट के कम्युनिकेशन में आपको ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि आप नेट करेंगे या यूपीएससी करेंगे या दोनों करेंगे यहाँ पे थोड़ा बता पाना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि इसमें थोड़ा सा कम्युनिकेशन की ज़रूरत है इंद्रमणि चौहान गुड आफ्टरनून इंद्रमणि और जो भी बच्चे हमारी लाइव क्लासेस में हैं जो डेली पाँच बजे शाम को आते हैं और उनमें से भी बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो यू भी ज्वाइन कर चुके हैं क्योंकि उनका ये था कि सर हम नेट तो करना है लेकिन हमें बनना आई है तो ये तो आपकी विल पावर पे है लेकिन पुरनेश हम आपको बताएं कि एम इंग्लिश के जो फर्स्ट सेमेस्टर होता है पहला साल पहला महीना आप विश्वास नहीं करेंगे ऑल ओवर इंडिया बच्चे जो हमें जानते हैं वो वहीं से ज्वाइन कर लेते हैं आप तो एक साल आगे बढ़ चुके हैं तो एक साल का ये आपका बहुत बड़ा नुकसान हो चुका है आगे नुकसान मत करिएगा अगर आप करियर ओरिएंटेड हैं नहीं तो होगा क्या पुरनेश ना तो यूपीएससी होगा ना तो नेट होगा और बाद में आपको लगेगा बताइए हमको इतना ज़बरदस्त गाइडेंस था और हम नहीं कर पाए <coughs> इंद्र जी आप अटेंड नहीं कर रहे हैं क्लासेस तो इसमें आ, किसकी मिस्टेक है आपकी परिवार की आपके टीचर्स की आपके बच्चों की आपके घर वालों की या आपके माहौल की या आपके परिवार की या आपके शहर की किसकी मिस्टेक है ये मतलब हुज मिस्टेक इज़ दैट यू आर नॉट अटेंडिंग द क्लासेज यू आर नॉट अस्टेंडिंग द क्लासेज जबकि समय पढ़ने का चौबीसों घंटा है ट्वेंटी फोर इंटू सेवन यू कैन स्टडी एनी टाइम चलिए अब हम आपको क्रैश कोर्स में एक इंपॉर्टेंट टर्म देते हैं दैट इज बहुत क्वेश्चन इसमें आते हैं इसलिए इसको कहते हैं बीट मूवमेंट बीट मूवमेंट अगर आपने पूरी फीस नहीं भी पे की है इंद्रमनी तो जो भी बैलेंस अमाउंट आपका है क्योंकि सिस्टम पूरा ऑटोमेटिक होता है कंप्यूटराइज़्ड होता है तो आप अपना बैलेंस अमाउंट पे करके अपने समय को मत खराब करिए और उसको अपडेट करा लीजिए आपने अपना एमए इंग्लिश को 60 परसेंट से कंप्लीट किया है अनुराधा बहुत अच्छी बात है 60 परसेंट अच्छा नंबर होता है हमें उम्मीद है कि आप अच्छे से नेट को क्वालिफाई कर सकती हैं और अगर आपको लगे तो कम्युनिकेट या व्हाट्सएप या ऐप को डाउनलोड जरूर करिएगा तो बीट मूवमेंट बीट मूवमेंट क्या है इट इज बेसिकली अ लिटरेरी ग्रुप इट इज अ बच्चों ये एक लिटररी ग्रुप है विच इज नोन एज विच इज नोन एज बीट्स बी ई ए टी एस इनको कहते ही हैं हम लोग बीट्स या कह सकते हैं बीट जनरेशन और बीट और बीट इस इसपे बहुत क्वेश्चन आते हैं इंद्रमणि और अनुराधा पूर्णेश जो भी बच्चे देख रहे हैं ये एक लिटररी ग्रुप है जिसको हम बीट्स कहते हैं या बीट जनरेशन कह सकते हैं जो बहुत ज्यादा फूला फला फूले फले को इंग्लिश में कहते हैं फ्लरिश्ड विच फ्लरिश्ड फ्रॉम मिड नाइनटीन फिफ्टीज विच फ्लरिश्ड फ्रॉम मिड नाइनटीन फिफ्टीज मिड नाइनटीन फिफ्टीज के मिड से वो फ्लरिश हुआ मिड 1950 से फ्लरिश हुआ कब तक गया टू अर्ली 1960s अर्ली 1960s तक गया अब आपको ये बताना है कि इनमें से इन इस मूवमेंट में इस ग्रुप में कौन लोग हैं जो प्रोमिनेंट मेंबर्स थे या हैं या जो भी थे हु आर द प्रोमिनेंट मेंबर्स ज़्यादातर नॉबलिस्ट थे बच्चों एंड द प्रोमिनट मेंस वेद द नॉवलिस्ट अब यहाँ यहां तक आपने लिख लिया होगा मैं इसको रब कर रहा हूं अब बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको हमें बताना है कि जो प्रोमिनेंट मेंबर्स थे वो कौन थे एक दो तीन चार एक दो तीन चार मतलब पांच छह लोग तो थे ही अभी आपको बताना है नॉवलिस्ट कोई बता सकता है जे सी एच देखिए ये फर्स्ट वर्ड ऑफ उनका है फर्स्ट वर्ड है और एक है जे और के ये दोनों स्टूडेंट्स क्या हैं एन लिख देता हूं मैं ये नॉवलिस्ट हैं एस ग्रुप के और अब हम बताने जा रहे हैं पोएट्स इनमें एक वर्ड है ए और एक वर्ड है जी हम सभी पोएट्स या नॉवलिस का पहला पहला वर्ड बता दे रहे हैं देखते हैं कि कितने बच्चे इसको बता पाते हैं एल एफ एल एफ ये पोएट्स हैं बच्चों ये पोएट्स हैं पी मतलब पोएट्स एंड मतलब नॉवलिस इसी तरह से दो नाम दो पोएट्स और हैं एक का नाम है पी डब्ल्यू ये भी पोएट्स है मैं स्कोरअप कर रहा हूं ये भी पोएट्स है एक और आखिरी में पोएट है इस जनरेशन इसमें उनका नाम है जी सी जी सी अब देखिए इतने सारे ऑप्शन हमने आपको दिए हैं जेफरी चौसर अनुराधा भास्कर बिल्कुल गलत मैंने क्या पूछा है और आप क्या जवाब दे रहे हैं अनुराधा भास्कर आप सिक्सटी परसेंट की स्टूडेंट है बच्चे आप बता रहे हैं गौफरी चौसर चौसर वॉज बॉर्न इन थर्टीन फोर्टीन एंड इन फोर्टीन हंड्रेड और हम बीट मूवमेंट की बात कर रहे हैं जो सेंचुरी का है मतलब चौसर को मरे छह सौ साल हो गया ही सिक्स हंड्रेड इयर्स बिफोर फाइन अनुराधा अब आप देखिए खुद एनालाइज करिए कि आई एम वॉट आई एम टीचिंग इट इज हंड्रेड परसेंट नेट एग्जाम सेंट्रिक वही क्लासेस उसी लेवल की क्लासेस आपको पेड बैच में मिलती है प्रॉपर सिलेबस वाइज जहाँ पे आप मन लगा के पढ़ सकते हैं सब कुछ आपको मिलता है यहीं से आप डिसाइड करिए इंद्रमणि चौहान जॉन मिल्टन बिल्कुल गलत क्या हम पूछ रहे हैं और इंद्रमणि आप क्या जवाब दे रहे हैं बिल्कुल गलत आप समझ ही नहीं पा रहे हैं आ, ओके ओके अनुराधा तो देखिए यहाँ पे है ये नावलिस तो पहला नाम है बच्चों जॉन और सी से होता है क्लेलॉन सी एल ई -E एल एल ओ एन जॉन क्लेलॉन होम्स एच ओ एल एम ई एस ये नॉवलिस्ट थे जो बीट मूवमेंट में या बीट जनरेशन के लिटरेरी ग्रुप के मेम्बर थे दूसरा है जैक कैरवाक वेरी इंपॉर्टेंट नेम ये अक्सर नेट के पेपर्स में आपको मिलेगा और आप कहेंगे कि सर एग्ज़ाम बहुत कठिन था कठिन नहीं होता है सी ओ आर ओ के ई के ई आर ओ यू ए सी जैक कैरवाक इसको बोलते हैं जैक कैरवाक अब हम आते हैं पोएट्स पे एल एन घिंसबर्ग एलन गिन्सबर्ग ये पोएट थे बहुत बड़े पोएट थे उसके बाद है लॉरेंस एल ए डब्ल्यू आर ई -E एन सी -E. और एफ से है फर लिंग घटी बहुत कठिन नाम है फर लिंग घटी फर्लिंग घेटी उसके बाद यहाँ पे है पी एच आई एल आई पी पी मतलब हुआ फिलिप और डब्ल्यू से हुआ वैलेन फिलिप वैलेन और यहाँ पे हुआ जॉर्जी जी ई ओ आर जी वाई और सी का मतलब हुआ कॉरसो तो ये एक दो तीन चार पोएट्स हो गए और ये एक दो नावलिस्ट हो गए अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और हमेशा याद रखिएगा कि ये नाम आप नहीं भूलेंगे आपको लगे कि इसके बारे में और पढ़ना है तो इन पर्सनल इन नामों को आप विकीपीडिया गूगल पर डाल के आप पढ़ सकते हैं तो बच्चों ये कैसा लगा आपको जानकारी ये कैसी लगी कि आपको आँ... ओके अब एक बात और आपको बताएं ये जो होम्स है कहाँ गया ये जॉन क्लेनॉन होम्स ही एक्चुअली इंट्रोड्यूस्ड द टर्म ही एक्चुअली इंट्रोड्यूस द टर्म बीट जनरेशन बी जी ही एक्चुअली इंट्रोड्यूस द टर्म बीट जनरेशन इन अ 1952 एसे 1952 में एक ऐसे एक लिखा था उसमें एक टर्म को इंट्रोड्यूस किया होम्स में उसकी एक नॉवल थी जिसका नाम था गो जी ओ इन इज नॉवल विच इज नेम्ड एज नो एंड लेटर बाद में मिस्टर जैक कैरवैक सजेस्टेड कि बीट का मतलब होता है बींग सोशली मार्जिनलाइज्ड बाद में कैरवॉक ने सजेस्ट किया कि भाई देखो बीट का मतलब होता है सोशली मार्जिनलाइज्ड एंड एग्जॉस्टेड मतलब बीट एंड डाउन

आप दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करके मुझे कॉल करिएगा हम आपको सारा समझाएंगे लेकिन अगर आप नहीं समझ पाए पुरनेश तो आपका बहुत कीमती वक्त ज़ाया हो रहा है चाहे वो नेट हो चाहे वो यूपीएससी हो 2026, 2027 तक के बच्चे हमारे यहाँ यूपीएससी के मेंस के प्रिपरेशन कर रहे हैं फाइन एनी क्वेश्चंस एनी क्वेश्चन तो चलिए फिर से मुलाकात होगी बहुत जल्दी और इस सेशन को रिवाइज करिएगा और बच्चों तक इसके लिंक को शेयर करिएगा जिससे आज का जो सेशन है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है थैंक यू सो मच टेक केयर